हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 12 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पेट शॉप सिम्युलेटर। गाइस ये गेम होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि हम खोलने वाले एक शॉप जिसमें होंगे बहुत सारे एनिमल्स पेट हम वहां पर रखने वाले। सबसे पहले हमें करनी है क्रिएट शॉप और यहाँ पर हमें लोगो चूज करना है। कुत्ते वाला बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पर हमें अपनी शॉप का नेम लिखना है। तो हम यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं कुत्ते बिल्ली की दुकान। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने नाम इसका रख दिया कुत्ते बिल्ली का दुकान, और ये लोगो यूज करूंगा तो सारे के सारे पेट दिख जाएंगे। तो फटाफट से करते हैं क्रिएट और इसके अंदर चलते हैं। चलो गाइस फटाफट से इस गेम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये अपनी पेट शॉप है और ये इतनी खाली क्यों है। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। ये कौन है? हेलो, आई एम डिलाइटेड टू मीट द न्यू स्टोर ओनर। हाँ आगे बताओ, डू यू वांट टू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्टोर एंड व्हाट टू पे अटेंशन टू। ठीक है, हमें सिखा दो हमें क्या क्या करना है। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं मदद करने वाला है। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। हमें चाहिए सबसे पहले वेयर हाउस, फटाफट से अभी इसको कर देते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पर जाने वाले अपने टैबलेट में और बिल्ड मोड में जाके हमें यहाँ पर चाहिए बहुत सारी चीजें। तो गाइस अभी आप हमें चाहिए स्टॉक रूम, तो फटाफट से यहाँ पर इसको बना देते हैं। और गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉक रूम यहाँ पर बन चुका है। और अब हमें यहाँ पर इसके लिए गेट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर फटाफट से गेट भी लगा देते ताकि हम इसके अंदर भी जा पाए। हमें सारी की सारी चीजें मैनेज खुद ही करनी पड़ेगी, यहाँ पर और भी कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है। फटाफट से यहाँ पर अभी जाते हैं, यहाँ पर हमें दो तीन स्टोरेज रैक भी चाहिए। तो गाइस अभी यहाँ पर स्टोरेज शेल्फ को यहाँ पर रख देते हैं। स्टोरेज में क्या कुत्ता बिल्ली रखने वाले क्या? इधर कैसे रहेंगे मुझे पता नहीं। अभी यहाँ पर हमें एक कैश रजिस्टर भी चाहिए ताकि अगर कोई भी कस्टमर आए तो हम उनसे बहुत सारा पैसा ले सके। तो फटाफट से अभी यहाँ पर लगा देंगे शेल्फ, और यहाँ पर हमें चाहिए अपना कैश रजिस्टर। तो फटाफट से इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। और बनी एनक्लोजर, मुझे लगता है इसमें हम रैबिट रखने वाले हैं। और गाइस हमारा काम यहाँ पर लग चुका है, हमारी बेसिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपने लिए सामान मंगवाना पड़ेगा, जैसे कि पेट्स के लिए खाना। तो गाइस अभी हम जाएंगे अपने मेन्यू में और यहाँ पर हमें ऑर्डर करना है कैट के लिए फूड। तो फटाफट से अपन इसकी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देंगे 2, या फिर कितनी करेंगे। हमारे पास वेयर हाउस की स्पेस अवेलेबल है 100, तो हम यहाँ पर 10 क्वांटिटीज को फटाफट से ऐड कर देंगे। और फटाफट से बास्केट में जाके इसको कर देते हैं यहाँ पर ऑर्डर। और गाइस अभी अपना डिलीवरी व्हीकल यहाँ पर आने वाला होगा बस। और गाइस हमारी डिलीवरी वैन यहाँ पर आने वाली है सीधा डिलीवरी जोन में, और हमें सारा का सारा सामान यहाँ पर देने वाली है। अभी तो मैं सिर्फ कैट फूड मंगाए, मुझे लगता है हम इसके अंदर कैट रखने वाले हैं, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ओ अंकल फटाफट से पीछे पीछे आ जाओ। और गाइस आप देख सकते हो ये कुत्ता कितना ज्यादा बढ़िया है, इस ब्रीड का नाम क्या होता है। अरे यहाँ पर तो बढ़िया सी बिल्ली भी है। रुक जाओ, अभी हमारे यहाँ पर सामान आ चुका है, फटाफट से इसको वेयर हाउस के अंदर डाल देते। मूविंग टू वेयर हाउस यहाँ पर हो रहा है और ये डन। तो अभी हम फटाफट से चलेंगे यहाँ पर अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कैट फूड यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस अभी हम इस वाली शेल्फ के अंदर वो सारा का सारा कैट फूड यहाँ पर रखने वाले, फटाफट से यहाँ पर रख देते। और आप देख सकते हो शेल्फ बिल्कुल यहाँ पर हमारी सज चुकी है। अब अंकल से बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ हमारे आ चुके हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। ओके ओके फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी अंकल मुझे बोल रहे यहाँ पर एक एम्प्लॉय हायर करने के, तो अभी इसको करते फटाफट से कंटिन्यू। और हमें यहाँ पर चाहिए सेट टास्क में हम जाएंगे, और हमें इसको क्या देना है, कैशियर का, क्लीनर का, कस्टमर सर्विस, वेयर हाउस मैन या फिर साइन स्पिनर। ओके मेरे ख्याल से क्लीनर का काम सही रहेगा, यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई। और गाइस फटाफट से अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर हमने कॉल भी कर दिया है। तो गाइस अब हम यहाँ पर हम बाय करने वाले एक बनी यानी रैबिट $1000 का। फटाफट से इसको यहाँ पर हमने फटाफट से हमने यहाँ पर इसको मंगवा लिया। और गाइस आप देख सकते हो ये रैबिट यहाँ पर आ चुका है, और ये कितना ज्यादा छोटा है। रुक जाओ इसको हम पेट करेंगे, ये इसको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो हमने अपना सबसे पहला पेट अपनी पेट शॉप पे यहाँ पे ला दिया है। और गाइस अंकल का यहाँ पर काम भी हो चुका है, अंकल यहाँ से जा चुका है, हमारा रैबिट भी यहाँ पर आ चुका है। अब अपन फटाफट से जाएंगे टैब में, देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें जिससे हम और भी बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डॉग वॉक का फूड भी ले सकते हैं, डॉग के खिलौने भी ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं अपने लिए थोड़ा पेट फूड और ये सब चीजें मंगवाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अभी अगर मुझे पेट चाहिए तो हमें और थोड़ा टाइम लगेगा, पर अभी पेट फूड हम जल्दी से मंगवा सकते हैं। तो फटाफट से अभी हम जाते हैं कैट में, जाके इसके खिलौने विलोने मंगाए जाए क्या, या फिर अब डॉग
के मंगा लेते हैं क्योंकि मैंने कैट के ऑलरेडी मंगा दिए, तो एक काम करते हैं डॉग फूड यहाँ पर मंगवा लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे पपी पफ्स फोर्क और इसको करेंगे ऐड। और गाइस अगर आप देखते हो यहाँ पर हम 500 रुपए का इसको ऑर्डर फटाफट से कर देते हैं, और भी सारे के सारे एनिमल्स का ही कर दिया जाए क्या, इसको भी ऑर्डर कर देंगे यहाँ पर। और रैबिट का भी तो जरूरी है, रैबिट के फटाफट से यहाँ पर हम अपने बास्केट में डाल देंगे। और ये यहाँ पर हैमस्टर भी है, हैमस्टर का भी फूड हमें चाहिए तो फटाफट से इसको भी एड टू बास्केट कर देते हैं। फिश का मैंने मंगवा लिया, रैट, रैट का भी फूड होता है क्या यार। और यहाँ पर टॉर्टोइस भी है, सारे के सारे हमने फूड यहाँ पर मंगवा लिया आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर टोटल $5,000 का सामान हमने यहाँ पर मंगवा दिया है। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर क्लीनर भी चाहिए होगा। अभी फिलहाल तो खुद ही कर लेते क्योंकि यहाँ पर ये एनिमल्स आ रहे हैं तो इनकी वजह से थोड़ा खराब हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं। अभी हमने इसको साफ कर दिया और हमारी डिलीवरी भी यहाँ पर आ चुकी है, इसको फटाफट से वेयर हाउस में डाल देते हैं। तो हमारी पेट शॉप यहाँ पर अभी बिल्कुल ढंग से स्टार्ट हो चुकी है और हमारी अगली डिलीवरी भी आ चुकी है। अब इनको क्या चाहिए, फटाफट से इनको सामान देते रहो। अभी हमारे वेयर हाउस में आप देख सकते हो और भी सामान आ चुका है, इसको भी अपनी शेल्फ में अपन रखने वाले हैं। इसको फटाफट से यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर रखने वाले पपी फफ सब पता नहीं क्या है, डॉग फूड है हमने कुल मिला के वो रख दिया है। और अभी यहाँ पर जाएंगे और इसको भी फटाफट से अपने वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो गाइस सर मुझे अभी अपने लिए और शेल्फ भी चाहिए होगी, तभी तो मैं इसको रख पाऊंगा। ए कुत्ते इधर आ, हम इसको एक ट्रीट दे सकते हैं 10 की, तो फटाफट से इसको 10 रुपए की हमने इसको ट्रीट दी। बहुत बढ़िया, कितना ज्यादा प्यारा कुत्ता है, ऐसे कुत्ते मैं भी अपने पेट शॉप में रखूंगा। पर अभी इतनी चीजें हमारे पास अभी है नहीं, फटाफट से यहाँ पर जाएंगे, बहुत सारा स्टोरेज का सामान यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से ये निकालते हैं और यहाँ पर हम रखने वाले हैं ये टॉर्टोइस का खाना। यहाँ पर हमने इसको रख दिया, अभी फटाफट से नीचे जाके यहाँ पर हम रखने वाले हैं फिश का भी खाना, फटाफट से यहाँ पर पूरा का पूरा फिश का खाना भी हमने यहाँ पर रख दिया है। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ए तुम क्या कर रहे हो, आई एम लुकिंग फॉर पपी फॉक्स, ऑफ कोर्स वी हैव, प्लीज फॉलो मी। तो इनको फटाफट से लेकर जाते हैं, इनको चाहिए पपी फोपड़ी फुड़ी। ये लो अंकल आओ, आपका ये रख खाने का, इनको चाहिए कुत्ते के डॉग फूड, तो फटाफट से यहाँ पर अंकल आकर आपके ले सकते हो। अरे ये तो ना ले लो ना अंकल, अभी अंकल को हमने यहाँ पर इनका सामान भी पकड़ा दिया, तो मुझे चाहिए होगी अभी एक शेल्फ। तो फटाफट से जाएंगे अपन बिल्ड मोड के अंदर, टू एंटर द बिल्ड मोड हमें स्टोर क्लोज करना पड़ेगा। ओके अभी हम ऐसे कर नहीं सकते, तो अभी तो बहुत सारे कस्टमर आ रखे, मैं अपने स्टोर को क्लोज नहीं कर सकता। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी इस एम्प्लॉय को यहाँ से भगाने का, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, इसको यहाँ से भगा देते हैं। चलो फटाफट से भाग जाओ, और ये यहाँ से जा चुकी है। और गाइस अब मेरी बारी आ चुकी है यहाँ पर काम करने की, फटाफट से यहाँ पर इसको स्कैन कर, कैसे स्कैन करते हैं इसको, यहाँ पर स्कैन कर दिया, इसको भी स्कैन कर दिया, फटाफट से टोटल फिनिश इसको करेंगे। जल्दी जल्दी आंटी पैसे दे दो, यहाँ पर इन्होंने मुझे दे दी है पैसे, हमें इनको चेंज देना पड़ेगा। 5 ये लो, 6 7 8 9, अबे ये काम तो हार्ड है, मुझे लगा तो बहुत ही इजी काम होगा। और इनको यहाँ पर हमने इनका चेंज भी यहाँ पर दे दिया, बहुत ही मुश्किल था। अरे आंटी चलो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, अभी यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिल चुका है, वो क्या उठ रहा है वहाँ पे। अच्छा इन्होंने हमें एक बढ़िया सा रिव्यू भी दे दिया है। और गाइस इनको चाहिए एक खतरनाक से टॉर्टोइस का फूड, फटाफट से इनको दे दे स्कैन करके। इनका टोटल आया है $240 और इनको चेंज बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो आप जा सकते हो, ये लो आपका बिल, फटाफट से निकल जाओ। तो गाइस अभी यहाँ पे अपने स्टोर को क्लीन भी यहाँ पर थोड़ा कर देना चाहिए, कि बहुत ही ज्यादा गंदा यहाँ पर हो चुका है, इधर भी थोड़ा क्लीन विलिंग कर देंगे। तो गाइस ये करना सही में बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगा था कैशियर बनना बहुत ही इजी होगा, बहुत देर लग जाती है, पर अभी आप देख भी अंकल पता नहीं यहाँ पर क्या सोचे जा रहे कब से बैठ के। अभी अपन यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें मुझे पड़ी है, यहाँ पर जितना सामान मेरे पास बच गया था ये किटी फूड का, इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, इसको भी यहाँ पर हमने रख दिया है, इधर हमारे पास और पड़ा गया। मेरे ख्याल से अभी मैं अपने स्टोर को यहाँ पर क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है, पर ये पता नहीं इतनी देर लगा रहे, रुक जाओ स्टोर को क्लोज करने का ऑप्शन का है, यहाँ पर कर देंगे अपने स्टोर को क्लोज। चलो फटाफट से सबके सब बाहर निकल जाओ, चाटा मारूंगा। और गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर इनको आ चुके, फटाफट से इनका सामान पहले दे देते हैं, फिर यहाँ पर अपन इनको फिर अपन स्टोर को क्लोज करके इसको अपग्रेड करेंगे। फटाफट से इनका सामान दे दिया, अगला कस्टमर जल्दी जल्दी आओ, इनका कुत्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। क्या चाहिए आपको, हेलो, फटाफट से आपको बताओ क्या सामान चाहिए। यहाँ पर इनको कैट फूड चाहिए, इनके पास एक डॉग है और इनको कैट फूड चाहिए, ठीक है खाता होगा, मेरे को क्या करना है। अभी ये और लोग क्यों आते जा रहे हैं, मुझे अपने स्टोर को क्लोज करना है। हाँ जल्दी चाचा जल्दी सामान दो, इनको फटाफट से इनका सामान दे स्कैन करेंगे, यहाँ पर इसको भी स्कैन कर देंगे, अबे कितना सामान लेगा, इसको फटाफट से स्कैन कर देते, ये भी स्कैन कर दिया, और यहाँ पर इनका टोटल ऑर्डर ले रहे थे $331 का। हमारी शॉप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। अभी फटाफट से यहाँ पर करते हैं लॉग आउट और अब मैं स्टोर को क्लोज करने वाला हूँ। अंकल आप यहाँ से चले जाओ वरना मार मार दूंगा आपको। और ये अंकल यहाँ से जा चुके हैं, अब मुझे अपने स्टोर को बड़ा करना पड़ेगा बिल्ड मोड में जाके। और गाइस अब यहाँ पे मुझे चाहिए बहुत सारी शेल्फ, तो फटाफट से एक शेल्फ यहाँ पर, एक शेल्फ यहाँ पर, एक शेल्फ यहाँ पर, सारी की सारी शेल्फ इधर भर देंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर शेल्फ हमारी हो चुकी है, हमारे पास $8,000 है, तो मैं यहाँ पर वॉश
वॉशरूम्स भी खरीद सकता हूँ और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है ताकि हम वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स भी रख सके, तो वो भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर $1,000 का हम खरीदेंगे टर्टल एनक्लोजर जहाँ पे हम रख पाएंगे टर्टल को, और हमें माउस भी चाहिए तो माउस भी रख लेंगे, हैमस्टर भी चाहिए हैमस्टर भी रख देंगे, और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, फिश टैंक तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये पता नहीं सेल्फ सर्विस चेकआउट का है पर मेरे पास पैसे ही बहुत कम बचेंगे अगर मैंने यूज करिए, तो बनी एनक्लोजर हमारे पास ऑलरेडी है, डिस्प्ले प्लेटफॉर्म यहाँ पर पड़ा है, एक ये भी ले लेते हैं। इससे होता क्या है वो तो मुझे पता नहीं पर मैंने यहाँ पर ले जरूर लिया है, फटाफट से लेके चलते हैं, रेज्यूम करते हैं, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया सबका सब हो चुका है। ये क्या इसको फटाफट से वेयर हाउस में डाल देते, पता नहीं क्या चीज थी। अभी फटाफट से यहाँ पर जाएंगे और कोई ना हमारा रैबिट खरीद के चला गया, मुझे तो पता भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे एनिमल खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। यहाँ पर हम खरीदने वाले हैं एक टर्टल जो कि यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हम खरीदेंगे एक रैट, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक हैमस्टर। अभी हमने तीन तीन नए एनिमल खरीदे, एक काम करते हैं दो हैमस्टर यहाँ पर खरीदे और एक रैबिट भी तो खरीदना है, चाहो अगर एक रैबिट भी खरीद लेंगे $1,000 का, बहुत ही ज्यादा महंगा है। और कैसे मेरा फिश टैंक का चला गया मुझे नहीं पता, फटाफट से मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरा फिश टैंक का चला गया। और अभी हमारे यहाँ पर फिश टैंक भी आ चुका है, हमें यहाँ पर चाहिए दो दो बढ़िया बढ़िया फिश। तो कैसर अभी आप देख सकते हो कितने सारे पेट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इधर यहाँ पर रखने की क्या चीजें मुझे पता नहीं है, यहाँ पर हम मुझे लगता है ये सामान वामन रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर रख देंगे। सिर्फ इतनी सी आएगी क्या? अबे मुझे लगा था बहुत सारी चीजें आ जाएगी, पर यहाँ पर कैसर जितना भी सारा का सारा सामान है यहाँ पर रखने वाले, जितना भी हमें खाली करना था यहाँ पर ये भी रख देंगे, हैमस्टर का फूड, और यहाँ पर जाकर जितनी चीजें वो सारी की सारी भर देंगे, तभी तो मैंने इतनी सारी शेल्फ ली थी, ये भी रख देंगे, और ये एक्वाबेड पर सिर्फ एक ही बची थी ये भी हमने रख दी। तो कैसे मेरे पास यहाँ पर सारा का सारा सामान मैंने रख दिया है। अभी फटाफट से अपनी शॉप को कर देते हैं वापस से ओपन, रॉन्ग टाइम टू ओपन द स्टोर। तो कैसे अभी यहाँ पर 8 बजने वाली और अपने स्टोर ओपन करने का टाइम यहाँ पर हो जाएगा, फटाफट से करते हैं, 5 मिनट यहाँ पर और रह चुके हैं, और 3, 2, 1 और ये हमारे स्टोर ओपन करने का टाइम बस हो ही चुका है 7:59 और ये 8। फटाफट से अपने स्टोर को हमने यहाँ पर कर दिया ओपन, और कैसर हम अपने स्टोर के लिए यहाँ पर एड्स भी लगा सकते हैं, पर कैसर अभी आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ $62 बचे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो मुझे लगता है मुझे अभी कस्टमर्स के आने का वेट करना चाहिए, जब तक मैं इन पेट्स के साथ ही खेल लेता हूँ। इसके साथ अब खेलेंगे, ये रैबिट बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये इसके साथ बहुत ही मजा आता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है टॉयज, इसके साथ हम खेल नहीं सकते, सिर्फ इसको क्लीन कर सकते हैं, रैट को भी हम क्लीन कर सकते हैं, और हैमस्टर को भी, इनका खाना पानी भी हम यहाँ पर भर देंगे, अगर किसी का कम पड़ रहा हो तो ये खाना पानी पी लेंगे, यहाँ पर इनको भी खाना खिला देते हैं। और कस्टमर्स को नहीं आ रहे, अब मैंने इतनी सारी चीजें रख दी है तो ये आ नहीं रहे यहाँ पर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लग चुकी है कस्टमर्स की लाइन, क्योंकि अब हमारा स्टोर बिल्कुल ढंग से चलने लग चुका है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। हमारे स्टोरेज में कुछ बचा तो नहीं ना, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अबे ये क्या बच गया यहाँ पर, कुछ ना कुछ चीज तो बच चुकी है, देखते क्या चीज यहाँ पर हमारे पास बच चुकी है, कुछ भी तो नहीं है। उधर पता नहीं क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखो सारे के सारे लोग कितना ज्यादा खुश होते जा रहे हैं, और इन आंटी ने यहाँ पर पूरी की पूरी एक फिश खरीद डाली। सब लोग तेज तेज शॉपिंग यहाँ पर करते जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी दीदी भी आ चुकी है जो कि कैश रजिस्टर संभालने वाली है। सॉरी दीदी, मैं आपको भगा दिया था, पर अभी ये वापस से आ चुकी है यहाँ पर काम करने। जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारा पैसा कमा के दो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर आते जा रहे हैं, कचरा तो नहीं हो रहा ना कहीं पे, मैं पूरा का पूरा साफ कर दूंगा। तो कहीं सर अभी बहुत सारे कस्टमर्स आने के बाद हमारे पास थोड़ा पैसा यहाँ पर जमा हो चुका है, और यहाँ पर ये कौन खरीद के ले गया, फटाफट से यहाँ पर इसको खरीद लेते हैं। तो कहीं सर अभी मैं यहाँ पर हमारे डॉग्स और इन सब चीजों के लिए यहाँ पर थोड़े टॉयज भी रखने वाला हूँ, तो फटाफट से यहाँ पर हम कितने टॉयज रखे, 5-5 टॉय हर एनिमल के ले लेंगे। तो फटाफट से जाएंगे कैट में, यहाँ पर भी हम ले लेंगे 5 फटाफट से, हर एक चीज का खेलने की यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे। बनी बाउल ओके, यहाँ पर रैबिट केज भी हमें मिल रहा है, केज वेज नहीं चाहिए, कुछ खेलने के लिए चाहिए, खेलने के लिए क्या यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। बनी कैरेट टॉय ये बढ़िया रहेगा, फटाफट से यहाँ पर जाते हैं फिश में। फिश में हमारे पास है एक्वा एयर पंप, लोग एक्वा एयर पंप खरीद पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी ऑर्डर यहाँ पर कर देते हैं, और हैमस्टर के लिए हमारे पास पक्का खिलौने होंगे, हैमस्टर का व्हील है हमारे पास, तो हम इधर यहाँ पर 2 व्हील भी ऑर्डर करने वाले हैं। और हम जाएंगे रैट में, रैट के पास क्या होता है, रैट के यहाँ पर टनल है, तो यहाँ पर हम 2 टनल भी ऑर्डर कर देते हैं, मतलब बास्केट में हमने बैग कर दिया। यहाँ पर हम जाएंगे टॉर्टोइज में, और यहाँ पर हीट लैंप फॉर टर्टल्स, इनको यहाँ पर थोड़ा सा और ऑर्डर कर देते हैं। और आप देख सकते हो $3,600 का हो चुका है, इतना तो मेरे पास है भी नहीं, हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं $382 मेरे पास यहाँ पर बचे। अब कितने सारे लोग आ गए, कोई खरीद भी रहा है या फिर ऐसे टाइम पास कर रहे हो, ए चल मैं कुत्ते, मुझे यहाँ पर सफाई भी करनी पड़ेगी फटाफट से पूरी की
पूरी सफाई कर देते, अपने स्टोर बिल्कुल साफ रहना चाहिए ताकि सारे लोगों को बहुत ही मजा आए। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है, -$149 कैसे हो रहे हैं, इतने सारे लोग पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अबे तुमको खेलना भी है और कुछ खरीदना भी है, रुक जाओ इनसे बात करते हैं। अरे खरीदिए खरीदिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, इनको इनको मैग्नीफाई करवा देते हैं और इनसे चैट भी कर लेते हैं इसके बारे में। खरीदो खरीदो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और गाइस सर मुझे लगता है यहाँ पर खरीद लेगी। और ये क्या, मैंने अपनी सेल कर दी, इसने ये टॉर्टोइस यहाँ पर खरीदने वाली है। और गाइस सर अभी हमारा ऑर्डर भी यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से इसको वेयर हाउस में डाल देते हैं, फिर सारा का सारा सामान अनलोड भी कर देंगे ताकि हमारी सेल्स और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाए। फटाफट से इधर जाएंगे, इधर जाकर हम यहाँ पर रखते हैं टनल फॉर माइस, लेट्स गो। यहाँ पर टनल हमने रख दी है और दो हैमस्टर व्हील हमने ऊपर रख दिए, और इधर रखेंगे हम एक्वेरियम एयर पंप और यहाँ पर टनल माइस वापस से रख देते। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया खिलौने मैंने और भी तो मंगवाए थे, वो सारे कहाँ चले गए। और गाइस वहाँ पर क्या चल रहा है, कोई ना कोई तो मर रहा है। अभी क्या हो गया, क्या हो गया, हमें इनको खाना देना पड़ेगा। अभी हमने इनको खाना दे दिया, इनको क्लीन भी कर देते, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जाके थोड़ा इसको भी क्लीन व्लीन कर देते, खाना वाना दे देते, और हमारा टॉर्टोइस फिर से बिक चुका है, एक और टॉर्टोइस मंगवा लेते। हमारी ये वाली फिश अभी तक यहाँ पर पड़ी है। तो गाइस अभी इनसे भी बात करते हैं, इनको सामान बेचने का ट्राई करते हैं, पैसे का इनको इशू है। अब पैसे मैं तो ना दूंगा, तुम खुद लाओ पैसे, तो मैं कहां से लाऊं। ये मेरे से बात करो, तो मेरी बात समझो, ये खरीदो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर ये यहां पर नहीं माना यार। अरे इनको क्या हो गया, हाउ लॉन्ग वाज सपोज टू वेट। अरे सॉरी सॉरी यार दीदी, रुको रुको। अरे कहां जा रही है, अबे बुढ़िया जल्दी जल्दी काम करना, इतना धीरे धीरे क्यों काम कर रही है। अरे अंकल खरीद लो, मैं बोल रहा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लीव मी अलोन, इन्होंने बोल दिया। और ये भी यहां से निकल जाएंगे। तो गाइस अभी मेरे पास $1300 हो चुके। ओके ये कुछ ना कुछ तो खरीदे, मुझे लगा ऐसे टाइम पास करने आएगा। ये क्या चीज है, मूविंग टू वेयरहाउस, इसको कर देते, पता नहीं क्या चीज ऑर्डर आ गया है। यहां पर पपी पपी फोर कम किसी ने फेंक दिया उठा के, तो यहां पर इसको अपन रख देंगे। हैमस्टर फूड भी यहां पर रख देते हैं। 1500 हमारे पास वापस से डॉलर्स यहां पर हो चुके हैं। वापस से जाएंगे अपनी शॉप में, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डॉग के जो हमने टॉय मंगवाए थे वो कहां चले गए। अब यहां पर जाके फटाफट से इनको करते हैं ऑर्डर, और मैंने इसका भी तो मंगवाया था, ये भी नहीं आया, इसको भी जाके ऑर्डर देंगे। और फिर से इतने सारे कस्टमर आ गए, तो इतने सारे कस्टमर एकदम से आ कर जाते। अबे क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ी हालत खराब चल रही, थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग कर देते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा साफ कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जल्दी जल्दी इनका पूरा का पूरा स्टोरेज यहाँ पर साफ कर देते ताकि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहे। यहाँ पर जो कचरा है वो भी यहाँ पर उठा देंगे, और ये डन, हमने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। देखो कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। और अपनी डिलीवरी भी यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट से इसको वेयर हाउस के अंदर यहाँ पर डाल देते। और मुझे लगता है ये डॉग के पक्का खिलौने आए होंगे, फटाफट से यहाँ पर जाएंगे। तो गाइस सर मैं यहाँ पर थोड़े से हैमस्टर केज ऑर्डर करने वाला हूँ, एक ही बहुत रहेगा, इतने ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर चाहते एक हैमस्टर केज अपन यहाँ पर ऑर्डर करने वाले हैं, एक इसका भी केज ऑर्डर यहाँ पर करने वाले चूहे का, और यहाँ पर हम एक ऑर्डर करने वाले एक्वेरियम, एक्वेरियम बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये ऑर्डर नहीं कर सकते। रैबिट केज यहाँ पर चाहते, बास्केट में $700 का सामान हमने यहाँ पर मंगवा दिया है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, रुक जाओ मैं तुम्हें बचाने आ चुका हूँ बच्चे, ये ने खाना पानी पी ले, क्लीन भी हो जा, और यहाँ पर इसको पेट भी कर लेते, ये परेशान नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं। लो अंकल जल्दी जल्दी चलते चलो। अब ये आंटी सही में बहुत ही धीरे काम करती है, मुझे लगता है मुझे एक और कैशियर रजिस्टर खरीदनी पड़ेगी, पर उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। रुक जाओ इन अंकल से बात करते, कैसे हो अंकल, खरीदना चाहोगे खतरनाक प्रोडक्ट, नहीं खरीदना चाहोगे, सॉरी सॉरी कोई बात नहीं। और इस कुत्ते से बात करते, हेलो कुत्ते, इनको अपन एक ट्रीट देते, ये बेटा खा ले, कैसा लगा बता देना बाद में कमेंट करके। तो गाइस अभी यहाँ पर अपना अगली डिलीवरी भी यहाँ पर आ चुके हैं, सारे के सारे केज जो हमने मंगवाए थे वो भी अपनी शॉप के अंदर हम यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर फटाफट से चलते हैं, हैमस्टर केज हमने यहाँ पर रख दिया है, और मैंने एक और भी तो मंगवाया था। तो गाइस अभी हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज में और भी चीजें पड़ी है, पर इनको रखने के लिए मुझे यहाँ पर अलग शेल्फ चाहिए होगी, ये नॉर्मल शेल्फ में नहीं आने वाली क्योंकि ये शेल्फ छोटी है, तो मुझे बड़ी शेल्फ यहाँ पर चाहिए। इन आंटी को चाहिए, कुत्ते का फूड इनको चाहिए, इनको फटाफट से खिला देते हैं। इधर आओ, ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया कुत्ते का फूड, सारा का सारा ले लेना, ओके बाय बाय। और इसको क्या हो रहा है यहाँ पर, आप खरीदना चाहोगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये लीव मी अलोन, ओके सॉरी। एक तो सब लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, और ये मुझे ही बोल रहे हैं लीव मी अलोन लीव मी अलोन लीव मी अलोन। यहाँ पर किसी ने सामान गिरा दिया, फटाफट से इसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो गाइस सर अभी हमने अपने स्टोर को पूरा अपग्रेड कर दिया, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी जाए, क्योंकि सारे पेट्स के यहाँ पर ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं आता हूँ ना तो सब खराब हो जाता है, तो फटाफट से पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा, इसको भी फटाफट से साफ कर देंगे।
देंगे और यहाँ से सारा कचरा भी निकाल देते हैं। हमारा रैबिट बिल्कुल आराम से रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी शेल्फ मंगा के उसमें यहाँ पर केज रख दिया, एक चूहे का खाना यहाँ पर रख दिया और ये भी यहाँ पर मर जाएगा। मुझे इसको भी साफ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा खाना दे देते हैं। और कोई तो नहीं मर रहा, ये शिप भी यहाँ पर मर रही है, इसको भी हमें बचाना पड़ेगा। इसको हम कर देंगे थोड़ा सा खाना खिला देंगे और ये भी बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने एक और ये बड़ा मंगवा कि रैबिट केज यहाँ पर रख दिया है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें ना उसमें हम सारे का सारा बड़ा आइटम रख सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से इसको हटा देना चाहिए। यहाँ से हमने इसको कर दिया रिमूव क्योंकि हम इसको नॉर्मल शेल्स में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा रख देंगे, यहाँ पर हम बड़ा आइटम रख सकते हैं। और यहाँ पर ये कचरा किसने कर दिया, फटाफट से इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ। तो गाइस यार अब हमारा स्टोर चलने लग गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बहुत सारे एनिमल्स मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये लड़की सारा का सारा काम करती है, स्लो करती है पर कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया काम करती है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना हमारा पेट शॉप आपको कैसी लगी। अभी तो हम बहुत ही अर्ली बिजनेस है, मतलब अभी हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, पर हमने पहले दिन के हिसाब से बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर ली है। तो गाइस ये तो हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का, फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये खतरनाक सा पेट शॉप सिमुलेटर। अगला गेम हम कौन सा खेलें वो भी कमेंट करके बता देना। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।